हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो आज यूएफ़ा चैंपियंस लीग का फाइनल होने वाला है, जो लिवरपूल और रियल मैड्रिड के बीच खेला जाएगा। तो जो मैच खेला जाने वाला है वो होने वाला है, जो वेन्यू है वो है कीव, यूक्रेन में, यूक्रेन की जो कैपिटल है कीव, वहाँ पर ये मैच होगा। तो हेड टू हेड मैचेस अगर हम दोनों लिवरपूल और रियल मैड्रिड के देखें तो कितने मैचेस हुए हैं, 5 मैचेस उनके बीच हुए हैं, जिसमें 3 बार लिवरपूल जीती है और रियल मैड्रिड अगर जीती है तो 2 बार, और ड्रॉ को भी मैच नहीं हुआ है। अगर रीसेंट 5 रिजल्ट्स देखें तो लिवरपूल 2 विन के साथ है, 2 लॉस है और एक ड्रॉ खेल के आई है। अगर हम रियल मैड्रिड का देखें तो 3 ड्रॉ खेली भी है, 1 विन है और 1 लूज़ है। अब देख सकते हो उतना ख़राब परफॉर्मेंस रियल मैड्रिड का खास तौर से होता नहीं है, पर मैं आपको बता दूं ये जो लीग के लास्ट मैचेस थे इनके, जो यूरोपियन लीग होती है इनकी, जो होम लीग होती है उसके लास्ट मैचेस थे, उसमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अपने ज़्यादा प्लेयर्स खिला नहीं रहे थे जो मेन प्लेयर्स हैं, इसलिए ये जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी ख़राब आपको दिख रही होगी। अब प्लेइंग स्टार्टिंग 11 की तरफ चलते हैं जो होने वाली है। तो स्टार्टिंग 11 लिवरपूल की क्या होगी, तो कैरियस इनके विकेट गोलकीपर होंगे, विकेट कीपर नहीं गोलकीपर होंगे, अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, स्टेफेंडर होंगे, वैन डायक होंगे, लॉवरिन होंगे और रॉबर्टसन होंगे। तो ये 4 होने वाले हैं जो कि डिफेंडर होंगे। अब मिडफील्डर होंगे हैंडरसन, मिलनर और विंजनालैडम, ये थोड़ा सा अलग सा नाम है इसलिए विंजनालैडम करके इनको बोलते हैं। तो ये 3 डिफेंडर होंगे, सैदियो माने होंगे, फर्मिनो होंगे और मोहम्मद साला होंगे, जो बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं मोहम्मद साला। तो ये इनकी स्टार्टिंग 11 हो सकती है और बहुत ज़्यादा चांसेस है यही होगी, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होंगे। इस वीडियो को पूरा देखते रहना, दो तीन ट्रिक भी बताऊंगा जिससे कि आपको प्लेइंग 11 या जो भी स्टार्टिंग 11 होती है वो पता चल जाएंगी। तो रियल मैड्रिड की क्या होने वाली है, जो स्टार्टिंग 11 है, केलर नावास विकेट गोलकीपर करेंगे, गोलकीपिंग करेंगे। यहाँ से अगर हम देखें मार्सेलो होंगे, सर्जियो रामोस जो कि कैप्टन भी हैं इनके, यहाँ से अगर देखें तो रफेल वरान और डैनी कारवाहाल। रियल मैड्रिड में कोई भी ऐसी इंजरी नहीं है, सारे प्लेयर्स उनके अवेलेबल हैं, तो सारे के सारे प्लेयर्स खेलेंगे। कैसेमिरो मिडफील्ड में खेलेंगे, फिर टोनी क्रूस होंगे, ल्यूका मॉड्रिच होंगे, गैरेथ बेल या इसको में से किसी को खेला जाएगा, यहाँ पर होंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो और करीम बेंजेमा, ज़्यादा चांसेस गैरेथ बेल के हैं। ऐसा भी हो सकता है करीम बेंजेमा ना खेलें, इसको बेल और रोनाल्डो खेलें, ऐसा भी चांसेस बन सकते हैं, या फिर बेल, रोनाल्डो और बेंजेमा खेलें, तो ये भी हो सकता है। अब चलते हैं ड्रीम इलेवन की तरफ। तो ड्रीम इलेवन में जल्दी से आप देख सकते हो ये ऑफ़र आ रखा है, एक मैं आपको बता देता हूँ क्या ऑफ़र है, पहले वो देख लेना। तो ऑफ़र जो है वो एक बार पढ़ के मैं आपको सुना देता हूँ, जल्दी से ऑफ़र ये डाउनलोड जल्दी से आप जो है वो कर लेना इसको, यहाँ पे पार्टिसिपेट इसमें। तो स्टेप 1 जो है वो है आपको जो 10 लाख वाली लीग है, जो 49 वाली लीग है, उसमें बस आपको ज्वाइन करनी है वाली लीग और आपको 50 रुपीज़ का बोनस मिल जाएगा। तो बस आपको 49 रुपीज़ की लीग ज्वाइन करनी है, आपको 50 रुपीज़ का बोनस मिल जाएगा। तो ये ठीक ठाक सी एक उनका ऑफ़र है, तो उसको जल्दी से आप रिडीम कर लेना, यहाँ पर ज्वाइन कर लेना इसको। ये 49 वाला जो है मैंने ज्वाइन कर लिया, अभी वाले ज्वाइन कर लेना। तो अब एक चीज़ आपको बताऊंगा, आपको प्लेइंग 11 जो इनकी होगी, स्टार्टिंग 11 वो मिलेगी कहाँ से, वो मिलेगी ट्विटर से हर मैच के पहले, मतलब लगभग ड्रीम 11 का जो डेडलाइन होती है उसके ख़त्म होने से 10 या 15 मिनट पहले, यहाँ पर जो ऑफिशियल अकाउंट होते हैं आपको वो फॉलो करने होंगे, रियल मैड्रिड आपको लिखना होगा, जैसे कि ये आ गया, तो ये आपको फॉलो करने होंगे। जैसे ही लास्ट का टाइम आता है, लास्ट के मतलब अगर ड्रीम 11 का 15 मिनट लास्ट के बचते हैं, वहाँ पे लगभग ये अपना जो है स्क्वाड अनाउंस कर देते हैं, जो कि प्लेइंग स्टार्टिंग 11 होती है वो अनाउंस कर देते हैं जो खेलने वाला है। सेम एक ये वाला आपको फॉलो करना है, और लिवरपूल का एक जो ऑफिशियल अकाउंट है वो भी आपको फॉलो करना है, तो वो भी ज़रूर फॉलो कर लेना। तो लिवरपूल एफसी का जो ये है इसको भी ज़रूर आप फॉलो कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर भी इनकी भी टीम ज़रूर मिलेगी। तो ये भी टीम अनाउंस कर देंगे अपनी 15 मिनट पहले, 10 मिनट पहले। मैं भी आपको कमेंट सेक्शन में, अगर मेरे को टाइम मिल गया यहाँ से, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है लास्ट के 5 मिनट या 4 मिनट बचते हैं, मैं एडिट करूँगा टीम को तो थोड़ा टाइम लग जाता है, आप इससे बढ़िया आप खुद भी देख लेना, अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं भी देखूँगा। और यहाँ से मैं रीट्वीट ज़रूर कर दूँगा अपना जो मेरा ट्विटर अकाउंट है उस पर, अगर आपको ट्विटर अकाउंट फॉलो करना है मेरा तो डिस्क्रिप्शन में जाओ इस वीडियो के और वहाँ से फॉलो कर लो, तो वहाँ से भी मैं रीट्वीट कर दूंगा, तो वहाँ से दोनों के दोनों स्क्वाड आप जो कि खेलने वाले होंगे 11 प्लेयर वो आपको मिल जाएंगे। तो अब ड्रीम 11 की टीम मैं आपको दिखा देता हूँ क्या मैंने बनाई है। तो बिल्कुल सेफ टीम एक तरह से मैंने बनाई, केलर नावास को मैंने गोलकीपर रखा है, यहाँ से आपके पास लॉरिस कैरियस रहेंगे जो कि ऑप्शन रहेगा आपके पास एक। अगर हम देखें यहाँ से डिफेंडर की तरफ तो मार्सेलो होंगे, लॉवरिन को मैंने लिया हुआ है और मैंने डैनी कारवाहाल को लिया हुआ है, तीन लिए हैं यहाँ से मैंने डिफेंडर्स। अगर हम मिडफील्डर की तरफ चलें तो यहाँ से मैंने लिया हुआ है मोहम्मद साला को, सैडियो माने को लिया हुआ है, लुका मॉड्रिच को लिया हुआ है, जॉर्डन हैंडरसन को लिया है और जॉर्जिनियो विंजलैडम जो भी इनका नाम है उनको लिया हुआ है।
थोड़ा नाम प्रोनाउंस करने में दिक्कत है इनकी। तो ये है अब दो जो कि फॉरवर्ड मैंने लिए हैं वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और गैरेथ बेल। अगर नहीं खेलते गैरेथ बेल या फिर स्टार्टिंग 11 में नहीं होते तो डेफिनेटली नीचे कमेंट कर दिया जाएगा। तो ये रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन, मैंने बिल्कुल सेफ चला हूँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मोहम्मद सलाह जो कि बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। दोनों प्लेयर चैंपियंस लीग में बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। तो आपके सामने ऑप्शन बता देता हूँ, यहाँ से एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए रह सकता है सैदियो माने। अगर फर्मिनो ले रहे हो तो आप फर्मिनो भी बहुत अच्छा ऑप्शन रह सकता है जो कि फॉरवर्ड खेलेंगे, तो फर्मिनो बहुत अच्छा ऑप्शन है, गैरेथ बेल बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो दैट्स इट, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक का बटन जरूर दबा देना और ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर लेना, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, और वीडियो को शेयर कर देना। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।